महाराष्ट्र के एक परम महान संत स्वामी श्री रामदास समर्थ रामदास जी महाराज, समर्थ रामदास महाराष्ट्र में रहने वाली एक विभूति, उनका नाम स्वामी समर्थ रामदास जी। आहा, इन्होंने हनुमान जी की भक्ति की। इनकी जीवनी हमने पढ़ी, श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने अपनी पुस्तक में लिखा स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज जी के बारे में। इनको हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और आंजनेय की आत्मकथा में भी ये वर्णन आया। आंजनेय की आत्मकथा एक पुस्तक, उसमें वर्णन आया कलयुग में महाराष्ट्र की धरती पर दिव्य विभूति स्वामी समर्थ रामदास जी प्रकट हुए, जन्म लिया उन्होंने। इनका नाम समर्थ ही हनुमान जी के दर्शन के बाद पड़ा, क्योंकि ये सामर्थ्यवान हो गए। इन्होंने हनुमान जी की भक्ति की, कुंडली जागरण की, चक्रों को जगाया, और जब चक्रों को जगाया तो एक दिन ये हनुमान जी की भक्ति में इतने तल्लीन हो गए कि नेत्र ही नहीं खुले, भूख भोजन सब कुछ भूल गए। एक बात बोले, नरसिंहपुर के पागलों और भारत में रहने वाले हनुमान भक्तों, कान खोलकर हमारी बात को सुन लो, तुम्हारे बहुत काम आएगी। भगवान खोजने से नहीं मिलते हैं, भगवान तो खो जाने से प्राप्त होते हैं। खोजने से भगवान नहीं मिलते, खो जाने से, थोड़ा सा ही प्रयोग बदलना है, खो जाओ तो भगवान मिलते हैं। स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज महाराष्ट्र की विभूति, आंखों में नैनों में जल भरे हुए हनुमान जी की याद में रो रहे हैं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की। जब आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, कुछ सूझा नहीं, तब हनुमान जी कहते हैं आंजनेय की आत्मकथा में वर्णन आया कि हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया, जाओ तुम पूरे देश में पुनः हिंदुत्व की रक्षा करो, आज से हम तुम्हारे साथ हैं। तो स्वामी रामदास जी ने कहा कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। हनुमान जी बोले, आज से हम ही तुम्हारे समर्थ बनकर के साथ खड़े हैं, इसलिए उनका नाम ही स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज पड़ गया है। महाराज जी 108 से ज्यादा हनुमान मंदिर उन्होंने अपने जीते जी पूरे महाराष्ट्र की भूमि में नहीं भारतवर्ष में गोमय हनुमान बनाए। गोमय जानते हो, गोबर के, गौ के गोबर के हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की, दीवाल का लेपन गौ के गोबर में किया, तो गोमय हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा करवाई उन्होंने, और उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन है। और हनुमान जी ने दर्शन ही इसी शर्त पर दिए थे कि जाओ तुम इस भारत भूमि में फिर से हिंदुत्व की रक्षा के लिए पूरे भारत में घूमो। बोलो जय सियाराम। पता है आपको स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज कौन है? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जी के गुरु जी हैं। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि हमें हनुमान जी ने जो काम सौंपा था वो तुम काम करके बताओ। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रण लिया था कि भारत में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हम करेंगे। प्रण था। लोग हमसे पूछते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते, हिंदू राष्ट्र की बात करते, अरे भारत में आप भिन्नता प्रकट करना चाहते, खंड खंड भारत को करना चाहते। भैया हम भारत को खंड खंड करना नहीं चाहते, हम भारत को पुनः अखंड करना चाहते हैं। तो ये हमारा प्रण नहीं है, हनुमान जी की प्रेरणा का दिया हुआ प्रण है, ये स्वामी समर्थ रामदास जी का संकल्प है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प है, हमारा कोई नया संकल्प नहीं है। इसलिए तो हमने नारा दिया है कि भैया हर घर घर हम जाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और परम पूज्य पुरी वाले शंकराचार्य भगवान ने भी नारा दिया, भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो भैया हनुमान जी के सात प्रिय चीजें हैं, एक रामकाज, दूसरा
भक्तों को जगाना, तीसरा भक्तों को प्रभु तक पहुंचाना, चौथा अभिमान का खाना, पांचवा सनातन की, हिंदुत्व की, संतों की, भक्तों की रक्षा करना, छठवा नाम का, प्रभु के नाम का संकीर्तन करना, और सातवा प्रभु की कथा में अपने जीवन को बिताना। यह हनुमान जी को सात चीजें प्रिय हैं। इन्हीं सात चीजें प्रिय के कारण तुलसीदास जी ने लिख दिया है और बात सत्य लिख दी है, चारों युग परताप तुम्हारा सिद्ध जगत उजियारा, जगत उजियारा।